हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के एमएस एक्सेल 2016 के ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे हाउ टू ऑटो फॉर्मेट टेबल, यानी टेबल को ऑटो फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है। ये मेरा टेबल है। टेबल को ऑटो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर ले। ये मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद होम टैब पे क्लिक करें और होम टैब के रिबन में स्टाइल सेक्शन में जाएं। यहाँ पे ये फॉर्मेट एस टेबल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने। इस पे क्लिक करने से फॉर्मेट टेबल का एक मेनू ओपन हो जाएगा, जिसमें से ये सभी देखिए ये बटे हुए हैं। लाइट है, ये इतने सारे ऑप्शन है लाइट फॉर्मेट टेबल के लिए। अभी ये है मीडियम और इसके बाद डार्क। तो इस तरह से आप जिसे भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप स्टाइल्स भी देख सकते हैं, किसमें ग्रिड है और किसमें ग्रिड नहीं है, वो भी इसमें दिख रहा है। ये देखिए इसमें ग्रिड है और इसमें ग्रिड लाइंस नहीं है, बहुत कम है, यानी कि सिर्फ हेडर में रॉ में लाइन है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग देख सकते हैं और जो भी अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लाइट से मैं एक फॉर्मेटिंग ले रही हूँ। इससे मैंने एक फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने उसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट एस टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने टेबल को सिलेक्ट करके रखा है। अगर टेबल को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो जहां से लेकर जहां तक आपका टेबल है, यानी कि जिस भी सेल से, जैसे यहाँ B5 है तो इस तरह से, और लास्ट जो आपको हो रहा है यानी कि I11, तो इस तरह से आप देखें, ये है B5 है ना, और यहाँ पे कॉलन है और ये है I11। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर ले जैसे फॉर्मेट में है और यहाँ पे टाइप करके यहाँ ओके कर दे। अगर आपने टेबल को सिलेक्ट नहीं किया है तो, अगर सिलेक्ट कर लिया है तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए अभी यहाँ पे आप एक नई चीज देख रहे होंगे, ये कॉलम। इस कॉलम की जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी मैंने अपना हेडर डाला हुआ था, नेम, क्लास, डॉग, सब्जेक्ट वगैरह। तो इस कॉलम को हटाने के लिए इसे सिलेक्ट कर ले। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिजाइन टैब पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हेडर रॉ का ऑप्शन। हेडर रॉ पे क्लिक कर दें, यानी कि इसे अनचेक कर दें। ये अभी चेक था तो ये कॉलम दिख रहा था, इसे अनचेक कर दें। ये जब भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिक आता है, इसे अनचेक कर दें, ये हट जाएगा। इस तरह से आपके टेबल में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। अब अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट कर लें और डिजाइन के सेक्शन में जिस भी फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नए फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो नए फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, एक तो डिजाइन से मैंने आपको बताया फॉर्मेट चेंज करना, और अभी फिर से मैं होम टैब से फॉर्मेट एस टेबल पे क्लिक करके आपको एक और, ये देखिए सेम चीज यहाँ पे भी ओपन हो जाएगी। आप इस तरह से अपने टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप ऑटो फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो गया है, इस रो को पहले डिलीट कर लें। ये देखिए ये टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के स्टाइल में एक नया टेबल बनाए, यानी कि टेबल को कस्टम करें, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मेट टेबल एस पे क्लिक करें, यानी फॉर्मेट एस टेबल पे, और यहाँ आप ये न्यू टेबल स्टाइल का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा न्यू टेबल स्टाइल का। यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि नेम चेंज कर सकते हैं। इसे मैं कर दे रही हूँ क्रिएटेड बाय मी, ताकि आपको समझ में आए कि ये टेबल आपने बनाया है। ये होल टेबल में आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप में आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम स्ट्रिप में करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से रॉ, लास्ट कॉलम, हेडर रॉ, टोटल रॉ एक्सेट्रा में आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा जब आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टेबल में हर तरह के फॉर्मेट्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पे वो दिखेगा।
इसके बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक कर दें। ये फॉर्मेट पे क्लिक करने से फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप जिस तरह के फॉन्ट चाहते हैं उस तरह के फॉन्ट आप इसमें सेलेक्ट कर लें। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर इसमें आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इसमें कलर अप्लाई कर दिया। बॉर्डर कैसा चाहिए आपको, बॉर्डर में क्या कलर चाहिए, तो हाँ मुझे कलर चाहिए बॉर्डर में। यहाँ पे बॉर्डर में मैं कलर अप्लाई कर दे रही हूँ। इसके बाद इसे आउटलाइन पे कर दें। एक चीज आपने ध्यान दिया कि जब मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये सिर्फ आउटलाइन ही लिया, यानी कि बॉर्डर के साइड में, यानी कि एक चीज आपने ध्यान दिया कि इसमें जब मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये टेबल के बॉर्डर के साइड वाले सेक्शन में ही आउटलाइन को लिया है। अगर मुझे बीच में चाहिए तो बीच में इनसाइड पे भी क्लिक करना होगा, ये टोटल बॉर्डर में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दे। ये हुआ। वंस अगेन फिल पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अगर आप फिल इसमें देना चाहें तो फिल दे सकते हैं, ठीक है। अगर फिल इफेक्ट करना चाहें तो फिल इफेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि दो कलर में आ जाएगा आपका। अब उसे आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फ्रॉम कॉर्नर वगैरह इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें डायगोनल है, डायगोनल अप डाउन दोनों है, तो इसमें से जो भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर वन कलर टू। अभी कलर वन में व्हाइट है, कलर टू में लाइट स्काई ब्लू है, तो इसे मैं ओके कर दे रही हूँ। ये मैंने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसमें पैटर्न कलर डालना चाहते हैं तो पैटर्न कलर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पैटर्न कलर। पैटर्न स्टाइल डालना चाहते हैं तो आप पैटर्न स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पैटर्न स्टाइल, यानी कि जो भी फिल इफेक्ट आपने अप्लाई किया था वो फिल इफेक्ट हट जाएगा और इसमें अभी पैटर्न आ जाएगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। मुझे अभी फिल इफेक्ट ही चाहिए, मैंने फिल इफेक्ट लिया और इसे ओके कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा टेबल बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ओके कर रही हूँ, ये ओके हो गया। अभी जो डिजाइन मैंने कस्टम किया उसे फॉर्मेट एस टेबल के सेक्शन में देख सकते हैं। ये फॉर्मेट एस टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें। ये कस्टम में आप देख सकते हैं अभी हमने जो डिजाइन फॉर्मेट किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें और अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने टेबल में डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसे ऑटो फॉर्मेट डिजाइन के थ्रू अलग अलग तरह के फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।